वेलकम टू डेलमार्क। ये डेलमार्क का 50 अंडे का इंक्यूबेटर है। मशीन के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये मेटल बॉडी का बना हुआ है, थर्मल रिइंफोर्स बॉडी है। इसका ट्रे अगर आप खोल के देखेंगे तो इसका ये 50 अंडे का चिकन का ट्रे है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसके अंदर एक वाटर टब रहता है जो प्लास्टिक का ट्रे है। इसके अंदर आपको पानी भर के रखना होता है। अंडा भरने के बाद इसमें पानी भर के रखो और फिर मशीन को बंद कर दीजिए। मशीन बंद करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में एक पावर ऑन स्विच है। ये पावर ऑन स्विच ऑन करते ही इधर आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके बाजू में आपको एक मोटर ऑन ऑफ स्विच दिखेगा। ये मोटर ऑन ऑफ स्विच आपको एक टर्निंग के लिए होता है। और इसके नीचे एक आपको इंडिकेटर है दो, एक तो हीटर का इंडिकेटर है, जैसा मशीन ऑन करेगा हीटर का इंडिकेटर आएगा, और एक आता है एक टर्निंग स्विच ऑन का इंडिकेटर है। वो जब एक टर्निंग ऑन हो जाता है तब वो इंडिकेटर आता है। उसके नीचे एक फ्यूज़ होता है और उसके बाजू में एक मैनुअल स्विच है, जो कि आपका अगर एक टर्निंग आपको चेक करना है या फिर वो काम नहीं करते तो आप मैनुअल स्विच से भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। क्लोज व्यू दिखाते हैं, जो डिटेल में कंट्रोल पैनल दिखाएंगे और आपको एक टर्निंग कैसा होता है वो दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं मशीन ऑन है, यहाँ पे टेम्परेचर का ये दिखा रहा है इंडिकेटर, और इसके बाजू में आपको ये टेम्परेचर, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर आपको कंट्रोल सेट कर सकते हैं ज्यादा कम वगैरह, लेकिन ये प्रीसेट आता है तो आपको इधर कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये अंदर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे कभी कभी आपका कट ऑफ टेम्परेचर है वो 38 डिग्री या 39 डिग्री दिखाएगा, 40 डिग्री दिखाएगा, बट ये अंदर हम लोग कैलिब्रेट किया हुआ है कि हर जगह पे प्रॉपर टेम्परेचर आना चाहिए। तो ये टेम्परेचर हम लोग के हिसाब से ये कैलिब्रेट करके ये सेट किया हुआ है, तो इसको आप चेंज नहीं करेगा। इसके अंदर आप 38 दिखाओ या 40 दिखाओ, आपको वो अंदर उसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर का टेम्परेचर हम लोग ने कैलिब्रेट करके सेट किया हुआ है। उसके बाद ये मोटर ऑन ऑफ स्विच है। ये मोटर ऑन ऑफ स्विच जब ऑन करेगा, अंदर एक मोटर होता है। ये मोटर आपका एक ट्रे को मूव करता है। आपको ये देखने मिलेगा कि मोटर ऑन ऑफ स्विच ऑन करने के बाद आपको हर तीन घंटे में ये एक मिनट के लिए ऑन होता है और ये एक ट्रे को एक को रोटेट करता है। तो आपको ये देखने मिलेगा कि अगर मैनुअली आप दबाते हैं इसको तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर आ रहे जब मैनुअली दबाते हैं तो, और ये मोटर का ट्रे को देखेंगे आप, वो ट्रे लेफ्ट राइट में मूव हो रहे और मोटर घूम रहे, जिसके वजह से वो एग रोटेट होता है। तो ये मतलब आप मैनुअली देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अभी जैसा नॉर्मली वो आप जैसा ऑन करके रखेंगे तो ये नहीं मूव होएगा। तो ये जैसा 12 बजे होता है तो 12 बजे ऑन होएगा तो ये यहाँ पे लाइट आएगा और एक मिनट के लिए वो चलने के बाद ये बंद हो जाता है। ये बहुत सरल सा है, इसके अंदर कोई सेटिंग आपको करना नहीं है। मशीन आएगा तो इसमें आपको एग लोड करना है और ट्रे में आपको पानी भरना है, फिर मशीन को बंद कीजिएगा और यहाँ से ये ऑन करना है और ये ऑन करना है, बस फिर अपने आप ये चलेगा। इसके अंदर अभी 31.6 डिग्री आया है, ग्रेजुअली ये बढ़ेगा और 37 या 38 के बीच या 39 40 तक यहाँ पे मैक्सिमम दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर टेम्परेचर प्रॉपर आएगा 37.5 रिक्वायर्ड है वो, उसके बाद वो कट ऑफ हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ोन नंबर्स दिए, बुकिंग करने कोई भी सहायता के लिए फ़ोन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, फेसबुक में भी हम अवेलेबल।